बाजू को बनाने के लिए मैंने ये पेपर पेस्टिंग ली है 2 इंच की। इसकी लंबाई इतनी है जितनी हमारी बाजू की है, बाजू के बराबर ही हमने लेनी है। दो इंच चौड़ी ली, इसके सेंटर से हम इस तरीके से रखेंगे। ये हमारा बंद सा है, ये खुला सा है, इस तरीके से इसे हम हल्की सी गोलाई देंगे। हल्की सी गोलाई देते हुए हमने यहाँ से इसे हम इस तरीके से कट करेंगे। तरीके से हमने इसे कट करना है। फिर हमने एक कपड़ा लेकर इसे इस तरीके से हम इस पर कपड़े पे सिलाई लगाएंगे। इस पर इस तरीके से कट होने के बाद पीछे से भी इसमें हल्की हल्की शेप दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से कट करने के बाद अब इसे हम एक कपड़े पे इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से पहले हमें बुकरम को इस पर चिपकाना है, इस पर पूरी सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगा के अब हमने पीछे के कपड़े को, आगे से हमें कट नहीं करना है, पीछे के कपड़े को कट करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। इस तरीके से कटिंग करके अभी पीछे के कपड़े को हमने इस तरीके से इस पर गुलटते हुए जाना है और इस पर सिलाई लगाते जानी है। इस तरीके से हम पूरे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर दिया है। अब हमने ये जो बाजू का सेंटर पे कट लगाया है, इस कट को लगाया हमने और इसका सेंटर लेके हमने बिल्कुल सेंटर पे रखना है इसे इस तरीके से। इस साइड से हमने सिलाई लगाते हुए बुकरम के किनारे किनारे से बिल्कुल इस तरीके से, बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे पे हमने सिलाई लगानी है इस तरीके से। तरीके से मैं इस पर किनारे किनारे सिलाई लगा ली। सिलाई के किनारे किनारे से हमने कपड़े की कटिंग करनी है। कपड़े को हम कट करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा है जो इस पर हल्के हल्के कट लगा देंगे। इस पर मैंने कट लगा लिए छोटे छोटे से। अब हम इसे पीछे की साइड पलटेंगे। इसी साइड प्लेट की अब हम इसे पूरे पे सिलाई लगाएंगे। इस पर कच्ची सिलाई लगानी है हमें इस तरीके से। चाहो तो प्रेस भी लगा सकते हो आप। इस तरीके से हमने इस पर पूरे पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैंने इसको पूरे पर सिलाई लगा दी और इसके पीछे साइड आप तुलपन भी कर सकते हैं या सिलाई भी लगा सकते हैं। इस तरीके से तुलपन करने के बाद इस तरीके का कोई फैब्रिक बटन लगाएंगे हम इस पर, या कोई भी बटन हो जिससे ये और भी खूबसूरत लगेगा देखने में। इस तरीके का मैंने एक कपड़ा लिया है, नॉर्मल बटन होते हैं जो मशीन हर किसी के पास अवेलेबल होती नहीं है इतनी, तो इस तरीके से घुमाते हुए इस पर बटन बनाएंगे। तरीके से घुमा के तरीके से
एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। बटन को हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तरीके से बटन अटैच कर लिया है। फिर इसे सिंगल बटन लगा सकते हैं या आप दो या तीन बटन भी इस पर लगा सकते हैं। इस तरीके से और भी अच्छा लगेगा। ये इस तरीके से बन के तैयार हो गया है। ये बनाने में भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। फुल स्लीव का डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।